वेलकम टू अवर चैनल आईटीआई एमसीक्यू गुरु। आज हम लास्ट ईयर सीबीटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपको इस सीबीटी एग्जाम में हेल्पफुल होगी। ये लास्ट ईयर में अपेयर हुए स्टूडेंट्स की मार्कशीट है, जो एग्जाम 9 फरवरी 2021 में हुई थी। उसमें ट्रेड थियोरी के 40 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्वेश्चन 2, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन 3, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड? सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर इज ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। क्वेश्चन 4, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज? कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों का नुकसान होने से बचाता है? राइट आंसर इज ए, कैप नट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? राइट आंसर इज बी, पैक कार्बोरिजिंग। क्वेश्चन 6, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड? मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? राइट आंसर इज ए, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। क्वेश्चन 7, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? राइट आंसर इज बी, केरोसिन। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट? शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? राइट आंसर इज ए, रिंग गेज गो। क्वेश्चन 9, विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरोस मेटल? किस अपघर्ष का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। क्वेश्चन 10, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरीड आउट इन स्टील? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? राइट आंसर इज डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। क्वेश्चन 11, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लॉड्स? किस प्रकार का बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? राइट आंसर इज डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। क्वेश्चन 12, विच टाइप ऑफ बेयरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से श्रेयक होता है? राइट आंसर इज बी, सिंटेड एलॉय। क्वेश्चन 13, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज ए, कास्ट आयरन। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉशर? इस वॉशर का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? राइट आंसर इज डी, बॉल सेपरेटिंग गेज। क्वेश्चन 16,
Which bearing material has poor thermal conductivity? किस bearing की उष्मीय चालकता कम होती है? Right answer is D, laminated phenolics. Question 17. What is the name of the plumber tool to assemble or dismantle pipes of 50 mm to 150 mm diameter? 50 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लंबर टूल का नाम क्या है? राइट आंसर इज बी, चेन पाइप रिंच. क्वेश्चन 18. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं. राइट आंसर इज ए, कटर व्हील. क्वेश्चन 19. व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बोस एंड बेंड्स इन पाइप वर्क्स? पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? राइट आंसर इज ए, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री. क्वेश्चन 20. What is the radius size for long radius elbow? Long radius elbow के लिए त्रिज्या size क्या है? Right answer is B, 1.5 time bore of the pipe. Question 21. What is the name of jig? इस jig का नाम क्या है? Right answer is C, turnover jig. Question 22. What is the purpose of setting blocks used in the fixture? Fixture में उपयोग किए जाने वाले standing block का उद्देश्य क्या है? Right answer is D, position the fixture and work related to cutter. Question 23. What is the color of aluminium metal? Aluminium धातु का रंग क्या है? Right answer is C, whitish grey. Question 24. What is the name of part marked X in the belt drive? Belt drive में X के रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? Right answer is D, jockey pulley. Question 25. Which ore is extraction of aluminium? कौन सा अस्कय अल्मोनियम का निष्कर्ष है? राइट आंसर इज डी, बॉक्साइट. क्वेश्चन 26. विच ओर प्रोड्यूस लीड मेटल? किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? राइट आंसर इज डी, गैलेना. क्वेश्चन 27. विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मैटिंग गियर्स? दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? राइट आंसर इज बी, पिच सर्कल. क्वेश्चन 28. विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप? हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर इज डी, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी. क्वेश्चन 29. What is the name of the part marked as X in one-way flow control valve? एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? Right answer is A, throttling screw. Question 30. What is the unit of pressure in SI unit? SI इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? राइट आंसर इज बी, पास्कल. क्वेश्चन 31. विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्ट ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन? किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है?
राइट आंसर इज बी पास्कल लॉ. क्वेश्चन 32. विच वैल्यू इज एन ओरिफिस और रेस्ट्रिक्रोट इन हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वॉल्व ऑरिफिस या रेस्ट्री कटर है. राइट आंसर इज ए फ्लो कंट्रोल वॉल्व. क्वेश्चन 33. व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल मार्क्ड एज एक्स. एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक को नाम दे. राइट आंसर इज डी शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव. क्वेश्चन 34. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन क्रोसिव इफेक्ट. गैर संरक्षक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है. राइट आंसर इज डी 1:20. क्वेश्चन 35. विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल प्योर्ड. कौन सी गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है. राइट आंसर इज सी पोर पॉइंट. क्वेश्चन 36. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथ एंड चेन ड्राइव. दातेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है. राइट आंसर इज बी प्रोवाइड नॉइज लेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव. क्वेश्चन 37. विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट. दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है. राइट आंसर इज डी ट्रक माउंटेड क्रेन. क्वेश्चन 38. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स. हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है. राइट आंसर इज सी यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड्स. क्वेश्चन 39. व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन. क्रेन का नाम क्या है. राइट आंसर इज डी ट्रक माउंटेड क्रेन. क्वेश्चन 40. व्हाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मशीन. मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है. राइट आंसर इज बी होल्ड मशीन फॉर्मली. क्वेश्चन 41. विच इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स. जो इंजन चलती भागों से स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है. राइट आंसर इज बी टू रिड्यूस फ्रिक्शन. क्वेश्चन 42. विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स. घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है. राइट आंसर इज बी कॉन्टैक्ट सरफेस. क्वेश्चन 43. व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन. स्रेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है. राइट आंसर इज ए इंक्रीज. क्वेश्चन 44. व्हाट इज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125. यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है. राइट आंसर इज डी 2400 kg. क्वेश्चन 45. व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी. आयतकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है. राइट आंसर इज सी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स.
क्वेश्चन 46. व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज बी, डायामीटर. क्वेश्चन 47. व्हाट इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या है? राइट आंसर इज बी, 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 48. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b मल्टीप्लिकेशन 8a 5b 3? 5a² b मल्टीप्लिकेशन 8a 5b 3 का गुणांक मान क्या है? राइट आंसर इज ए, 40a 7b 4. क्वेश्चन 49. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0? 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है? राइट आंसर इज बी, 1. क्वेश्चन 50. विच इज एक्सपैंड फ्रॉम ऑफ अ a³ - b³? a³ - b³ का मान क्या है? राइट आंसर इज बी, a² + b² + ab. क्वेश्चन 51. विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? राइट आंसर इज डी, विनाइल पॉलीमर. क्वेश्चन 52. विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट? कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है? राइट आंसर इज बी, ट्रांसनल स्ट्रेस. क्वेश्चन 53. व्हाट इज कलर ऑफ अ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस? टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? राइट आंसर इज बी, ब्राउन. क्वेश्चन 54. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट? ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर इज ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. क्वेश्चन 55. व्हाट इज द एक्सपेंड फ्रॉम ऑफ एसपी? एसपी का विस्तृत रूप क्या है? राइट आंसर इज सी, सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन 56. व्हाट इज डिनोटेड एज आई? आई किसको निरूपित करता है? राइट आंसर इज बी, इंटरेस्ट. क्वेश्चन 57. व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज ₹12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ ₹15,600? साधारण ब्याज क्या होगा यदि ₹12,000 की धनराशि ₹15,600 बन जाती है? राइट आंसर इज बी, 3,600. क्वेश्चन 58. विच ऑथॉरिटी पब्लिश शेड्यूल्स ऑफ रेट्स? कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? राइट आंसर इज डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. क्वेश्चन 59. विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल? कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? राइट आंसर इज बी, सल्फर. क्वेश्चन 60. व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड? पुस्तिका का नाम क्या है
जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। राइट आंसर इज डी, प्राइस बंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ITI MCQ गुरु। लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।